हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग हाउ आर यू फाइन वेरी गुड ओके स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट न्यू लेसन लेसन नंबर इलेवन ओके यूज़ ऑफ ए एंड एन यूज़ ऑफ़ ए एंड एन टुडे आई टेल यू वेयर वी हैव टू यूज़ ए एंड एन ओके इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में एक बार और रिविजन कराऊंगी ओके सी हीयर ए टू जेड लेटर्स आर गिवेन ओके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W X Y Z, okay, these are alphabets from A to Z. अभी इसमें से आपको मैम को बताना है कि vowels कहाँ हैं Five vowels होते हैं ना आपको अच्छे से पता होगा अभी तो E, I, O and last one U, okay. ए आई ओ यू ये क्या होते हैं वोवल्स होते हैं आई एम हियर राइटिंग अगेन सी वोवल्स वोवल्स ए ई आई ओ एंड लास्ट वन यू ओके और कॉन्सनेट्स जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो जो बाकी बचे हुए अल्फाबेट से वो क्या है कॉन्सोनेंट्स है ठीक है ए ई आई ओ यू को छोड़ कर जो भी बचा हुआ है तो वो क्या हुए कॉन्सोनेंट्स जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये क्या हुए कॉन्सोनेंट्स क्लियर चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेसन सी स्टूडेंट्स ए इज यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट वन पर्सन पहले आप ये देखो ये जो पेज नंबर है ये किस पर है ट्वेंटी एट पर टू ए ट्वेंटी एट पर है ठीक है यूज ऑफ ए एंड एन ए किस कब यूज होता है किसी भी वन ऑब्जेक्ट के लिए या वन पर्सन के लिए यूज होता है ठीक है ए यूज़ होता है वन ऑब्जेक्ट के लिए वन पर्सन के लिए ओनली वन के लिए ठीक है अभी यहाँ पर एक बेल्ट पिक्चर में गिवन है हियर वन क्लोक इज गिवन डॉग तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे ए यूज़ करेंगे बट इट जो इसका वर्ड है जो भी हमारे पर्सन या ऑब्जेक्ट गिवन है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट होना चाहिए ठीक है जहां भी कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले ए यूज करेंगे और अगर यहां पर वोवल होगा तो उससे पहले हम एन यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ए ओके हियर बेल्ट पिक्चर इज गिवन एंड ई एल टी बेल्ट ई एल टी बेल्ट इज गिवन देन बिफोर बेल्ट वट वी यूज आ बेल्ट वट आ बेल्ट हियर ऑल्सो गिवन सी वी यूज़ आ वैन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगन्स विद अ कॉन्सोनेट लेटर अभी मैम ने आपको बताया था न कि एक कब यूज़ होगा आ कब यूज़ होगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग जो होगी वो कॉन्सोनेट लेटर से होगी ये ऑब्जेक्ट क्या है बेल्ट है बेल्ट की स्टार्टिंग फर्स्ट जो इसका वर्ड है लेटर है सॉरी वो क्या है बी है तो कॉन्सोनेंट है बी तो उसके पहले ए यूज़ करेंगे ओके

इसलिए आ गया आ डॉग। हियर फैन पिक्चर इज गिवन एफ एन फैन स्पेलिंग एफ इज दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर हियर आ आ आ आ फैन। कॉन्सोनेंट जोकर ओके आ किंग किंग में जो के है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए आ यूज किया है आ मैंगो आ मैंगो आ पैन पी क्या है कॉन्सोनेंट है यहां पर एम भी कॉन्सोनेंट था तो इससे पहले ए ही यूज करेंगे आ पैन ओके आ रोज रोज आर जो है कॉन्सोनेंट है आ रोज आ शिप आ शिप यर आ वैन आ वैन अब ये क्लियर हुआ आपको जो भी बेटा ऑब्जेक्ट गिवन होता है और उसकी स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो अगर कॉन्सोनेंट होता है जैसे बी सी डी एफ एच जे के एम पी आर एस वी ये सब कॉन्सोनेंट थे इसीलिए मैम ने इससे पहले आई यूज़ किया है क्लियर ओके okay. अभी हम क्या यूज़ करेंगे रिविजन कर सॉरी अभी हम क्या मैम टीच कर ए एन एन का यूज. आ, न, आ, न, आ यूज़ ए एन 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 इज़ यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट वन पर्सन एन भी जो यूज़ होता है वो भी वन ऑब्जेक्ट वन पर्सन के लिए यूज़ होता है लेकिन वी यूज़ एन बिफोर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच बिगिनस विद अ वोवल कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका नेम जो स्टार्टिंग का नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा वोवल wovel से वोवल्स ए ई आई ओ यू होता है अभी देखना पिक्चर्स में पिक्चर में एप्पल की पिक्चर है एप्पल का फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है किससे बिगिन हो रहा है ये ए से ए वोवल होता है तो इसलिए एन यूज़ करेंगे इससे पहले एनिमल ए इज वोवल दैट्स वाई हियर वी आर यूजिंग एन एनिमल ओके here aunt a is vowel that's why a and n aunt okay this is picture of i e is first that's why n before i and i okay An elephant An egg and import i here and इग्लू आई है आई दैट्स वोवल वी आर यूजिंग बिफोर एन ओके एन आइसक्रीम एन आइसक्रीम एन ऑरेंज एन ऑरेंज एन ऑक्स एन ऑक्स ओ इज वोवल ओके इसलिए हमने एन यूज किया है एन आउल एन आउल एंड अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला एंड अन एन अन एंड अम्पायर एंड अम्पायर तो एन कहाँ यूज होगा किसी भी वर्ड से पहले एन तब यूज़ होगा जबकि उस वर्ड का फर्स्ट वाला जो बिगिन जिससे हो रहा है वो वोवल होगा और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके साथ कॉन्सोनेंट के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे आ ओके okay? आ यूज़ करेंगे एंड हियर इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल देन वी विल यूज़ ए एन एन ओके ओके okay, स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी दिस इज योर होमवर्क ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई एल अपलोड एक्सरसाइज ओके ओके स्टूडेंट्स टेक केयर बाय